गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिजिक्स की आज की लेसन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं परमेश्वर सुथार फिजिक्स की आज इस लेसन सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो। इस आज के वीडियो के अंदर हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत कंसेप्चुअल और बहुत आसान और बहुत छोटा टॉपिक है, जिसको चुटकी में समझ लोगे आप गारंटी से, मेरी गारंटी में। बस इस टॉपिक को समझने के लिए आप एक चीज ध्यान रखना कि इससे पहले जो वीडियो बनाया हमारा नहीं होगी, मैं आपको फिर से रिकमेंड करता हूँ आप पहले लेक्चर नंबर 11 को जाकर पूरा देखें, उसके बाद लेक्चर नंबर 12 में आए। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी के अंदर। हमारा जो आज का जो बुक का सेकेंड लास्ट और उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है वो आज के डेट में कंप्लीट कर देंगे। कल से आपकी बुक के जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है उसके बारे में हम स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास टॉपिक हमारे पास है विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। देखो, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है, तो नेक्स्ट में देखो ऊर्जा निकालनी है एकांक आयतन में, तो एकांक आयतन में ऊर्जा जो होती है उसे बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व जो होता है वो एकांक आयतन में ऊर्जा ही होता है, ऊर्जा बटे आयतन, पहली बात तो। ठीक है, इसे लिखते हैं यू वी से डिनोट करते हैं। यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी को कह सकते हो और वी मतलब वॉल्यूम, ऊर्जा घनत्व आ गया। अब हमें ऊर्जा घनत्व निकालना है, तो ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए सबसे पहले हमें ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा आती है, हम कार्य करेंगे किस पर, आवेश चालक गोले पर। कैसे करेंगे, आवेशित करने के लिए, किसके विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। तो जो कार्य होगा वही उसमें क्या रहेगा, ऊर्जा के रूप में जाएगा। अगर उस ऊर्जा को मैं अगर आयतन से भाग दे दूं तो मेरे पास क्या जाएगा, ऊर्जा घनत्व आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उस समय हमारे पास टॉपिक जो इसका स्टार्ट करने विद्युत बल, विद्युत बल आ गया। फिर हम क्या लिखेंगे, आवेशित करने के लिए, आवेशित करने के लिए किया गया कार्य, फिर लिखेंगे यही किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में हमें संचित हो जाता है। ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा टॉपिक के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। देखो, हमने क्या माना कि जब चालक गोले को आवेशित किया जाता है तो चालक गोले पर बाहर की ओर विद्युत बल कार्यरत होता। जब उसमें क्या कह रहा है, जब चालक गोले को आवेशित किया जाता है, चालक गोले पर बाहर की ओर एक विद्युत बल कार्यरत होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यदि इस पर आवेश की मात्रा बढ़ाई जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और यही किया गया कार्य क्या होता है, हमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में कह सकते हो, या विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है, अब यदि चालक गोले को आवेशित करने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और यही किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने मान लिया कि माना है एक चालक
गोला है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, वह पृष्ठावेश घनत्व, पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, एक आवेश चालक गोला ले लिया, ये आवेश चालक गोला है, इस आवेश चालक गोले की त्रिज्या कितनी है ये, और इसका पृष्ठावेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। ठीक है, जब अब यदि हमने क्या किया, तो आवेशित आवेशित चालक गोले पर विद्युत बल के लिए हमें सबसे पहले विद्युत दाब चाहिए, और विद्युत दाब कितना होता है, हमने कल टॉपिक पढ़े था, विद्युत दाब वो होता है सिग्मा अपॉन में 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना होता है एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास क्या निकालना है, विद्युत बल जो होगा वो कितना होगा, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, तो प्रेशर कितना है इसका, सिग्मा अपॉन में 2 epsilon naught, और एरिया कितना है 4 pi स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, विद्युत बल आ चुका है। अब हम क्या रखेंगे कि जब आवेशित चालक गोले को डी क्यू आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या में वृद्धि कितनी जाती है, डी आर हो जाती है। जब आवेशित चालक गोले को डी क्यू आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या में डी आर की वृद्धि हो जाती है। मतलब हमने जब डी क्यू आर लिया तो सबसे तलब बोले कि त्रिज्या में डी आर की क्या होगी, वृद्धि होगी, और इसकी जो त्रिज्या थी वो डी आर इंक्रीमेंट हो चुकी थी, ये डी आर किसकी क्या होगी, वृद्धि हुई। यहां से लेके यहां तक कितनी थी डी आर, और टोटल रेडियस देखी तो यहां से लेके यहां तक की, तो वो कितनी होगी, R प्लस डी आर। ठीक है, अब हमने आवेशित को ग्रीक किया गया, डी आर त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो डी क्यू आवेश आवेशित करने के लिए लिए किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो तो डी डब्ल्यू कितना होता है, डी डब्ल्यू बराबर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स किस तरह लगा, विद्युत बल, जो कि हमें क्या बताया कि फोर्स विद्युत बल बाहर क्यों लगता है आवेश चालक गोले पर, और इसमें जो त्रिज्या वृद्धि हो रही है वो भी त्रिज्या दिशा में लंबवत क्या हो रही है, बाहर की हो रही है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि फोर्स जो है वो डी आर के क्या है, पैरेलल, इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 0 degree, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना देगा, डी डब्ल्यू बराबर, यहाँ पे हमारे पास डी डब्ल्यू बराबर कितना देगा, एफ का मान रख दे, सॉरी पहले इसको कर देते हैं एफ डी आर कॉस 0, कॉस 0 का मान हम रख देते हैं और उसके बाद एफ का भी मान रख देते हैं, तो सिग्मा अपॉन में 2 epsilon naught 4 pi आर स्क्वायर और डॉट डी आर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, अल्पांश वृद्धि करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण कार्य निकाल। देखो यहाँ पे ये जो टॉपिक है कुछ टॉपिक समझते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, देखो आयतन के बारे में देखें, तो आयतन चूंकि गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन वो होता है वी बराबर 4/3 pi r³। अब मैंने आर के सापेक्ष अवकलन कर दिया इसका, तो कितना आएगा बोलो, 4/3 pi r³ 3 r² इससे ही कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, डीवी बराबर 4 pi r² और dr। तो बेटा यहाँ पे एक और चीज देखना,
ये जो टर्म है वो साइड वर्क है, तो 4 पाई r² dr, ये देखो हमारे पास ये रहा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dv लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, dv बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, वो कितना आएगा dv। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया इक्वेशन, दे दी इसको, कितनी दे दी सेकंड, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फोर। अब हम क्या लिखेंगे, चालक गोले को, चालक गोले को क्यू आवेशित आवेशित करने के लिए किया गया कुल कार्य, मतलब हमने कितना टोटल वर्क डन किया, टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू, इंटीग्रेशन डब्ल्यू देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू कितना है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और डी। ठीक है, दूसरी कॉन्स्टेंट समाकल से बाहर निकल जाएगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन निकल जाएगा बाहर। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गए क्वेश्चन नंबर, ये हमने पूरा कार्य निकाल दिया। तो यही किया गया कार्य क्या होगा, इस चालक गोले में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित होगा। लिखेंगे यही किया गया कार्य, किया गया कार्य चालक गोले में, चालक गोले में विद्युत ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होगा। इसका मतलब U जो होगा वो किसके बराबर होगा, W के, और W कितना है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ U। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6, क्या निकालना है, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, ऊर्जा घनत्व के बारे में हमने पहले ही पढ़ दिया था, यूवी से डिनोट करते स्टार्टिंग में लिखा था मैंने वहां पे, यूवी बराबर कितना होता है, ऊर्जा बटे में, ऊर्जा बटे में आयतन। तो ऊर्जा हमने मान ली यू है, आयतन उसकी बॉडी सिमेट्रिक में समाकलन के निकालेंगे डीवी से, और तो क्या अल्पांश कर लेकर के, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऊर्जा बटे आयतन आ चुका। ठीक है, ये हमारे पास, अगर मैं इसको वी लिखूंगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप ये ध्यान रखना कि डीवी का इंटीग्रेशन कितना होता है वी, वो अलग प्रत्येक बॉडी के लिए अलग अलग हो जाएगा। ये देखना, गोला है तो 4 पाई 4/3 पाई r³ हो सकता है, अगर कोई और शेप का है तो उसके लिए आयतन क्यों कोई और होगा, ये आप थोड़ा ध्यान रखना इस चीज के बारे में। आगे देखिए हमारे पास, अगर ये मैं इसका मान रखूं तो यहाँ पे हमारे पास कितना देगा, यू वी बराबर कितना देगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डीवी अपॉन में कितना देगा वी, डीवी का इंटीग्रेशन कितना होता है वी, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन में वी से भी कैंसिल आउट कर देगा, तो जो यूवी आएगा, यूवी कितना देगा, हाफ सिग्मा अपॉन, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम जानते हैं कि ई बराबर कितना होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहां से हमने क्या निकाल दिया, सिग्मा होगा एप्सिलॉन नॉट, तो कितना देगा ई। अब अगर मैं ये मान रख दूं इसके अंदर तो कितना देगा, देखो यूवी का एक नया फॉर्मूला देगा, 1/2 सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये जो सूत्र है कितना, समीकरण नंबर दे दी इसको मैंने 7, समीकरण 7 विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व को प्रदर्शित करती है, या कह सकता हूँ विद्युत क्षेत्र के एकांक का आयतन में ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है। कुछ भी नहीं है, सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, विद्युत दाब से बल निकालो, बल निकालने के बाद डीक्यू आवेशित करने के लिए कार्य निकालो, कार्य आने के बाद हम क्या करोगे, संपूर्ण कार्य निकाल लेना, संपूर्ण कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा आने के बाद क्या निकाल लेना, विद्युत ऊर्जा कह सकते हो, स्थितिज ऊर्जा मैंने कह सकता हूँ मैं क्या लागू होती है, यहाँ पर हमारी विद्युत ऊर्जा लागू होगी, तो ये विद्युत ऊर्जा निकालने के बाद उसको आयतन से भाग दे देना, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। उस टॉपिक को समझना है, वो टॉपिक बेहद आसान है, मैं फिर से कहता हूँ, क्योंकि देखो इस टॉपिक को मेरे को दम नहीं है, कैसा कोई 11th की जो रॉकेट की जो रॉकेट साइंस थी वैसा कोई टॉपिक नहीं, एकदम नॉर्मल टॉपिक है, थोड़ी सी 11th काम आएगी, आप थोड़ा ध्यान रखिए उस चीज के बारे में, बस जो बेसिक कंसेप्ट है उसको पकड़ते चलो, ऐसा नहीं हो कि बाद में उसको रटने की नौबत है, आप पहले जो टॉपिक की जो मेन फिजिक्स है उस टॉपिक को
मेन पॉइंट को समझ लेना बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो देखो क्या होता है, सुनो मेरी बात को, पहले हम बात करते हैं साबुन की बुलबुले में। देखो साबुन का बुलबुला हमने क्लास 11 तो पढ़ा था, बुलबुले का दाब आदि के सूत्र, और मैंने बहुत अच्छे से करवाया था पानी के ड्रॉप के लिए, बुलबुले के लिए, और बहुत सारी अलग अलग शेप के लिए हमने इस चीज के बारे में बहुत डीपली चर्चा की थी। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, अगर आपको वो नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप उसका फॉर्मूला आपको यहाँ काम आएगा थोड़ा, वो उसको अगर आप देखो तो अच्छी बात है, और नहीं देखो तो चल जाएगा, वैसे मैं समझा दूंगा क्या। ठीक है, तो वहां एक फॉर्मूला था जिसका नाम था दाब आधिक्य। क्या नाम था? दाब आधिक्य। अब ये आधिक्य क्या होता है, सुनना मिलेगा, प्रेशर एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रेशर एक्सिस, पी एक्स टी से लिखते हैं। ये क्या होता है कि साबुन का जो बुलबुला होता है, ये हमारे पास साबुन का एक बुलबुला ले लिया मैंने, ठीक है, ये सेंटर है इसका, ये इसकी रेडियस कितनी है आर। तो क्या होता है कि साबुन के बुलबुले के आंतरिक पृष्ठ का दाब बाहरी पृष्ठ से, आंतरिक पृष्ठ का वायुदाब कह सकते हैं, वायुदाब बाहरी पृष्ठ से अधिक होता है। मतलब क्या, सुनना मेरी बात को, सिंपल सा कंसेप्ट है, ये तो साबुन का बुलबुला, सपोज करो मैंने बबल को फुला के छोड़ दी, तो बबल अभी यहाँ पे मान के चलो, तो बबल अभी स्टेबिलिटी में होने का मतलब अभी अस्तित्व में है। अस्तित्व में होने का मतलब क्या है कि बुलबुला उस दाब को सहन कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरी बॉडी अभी अस्तित्व में, या जो भी बॉडी अभी अस्तित्व में है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो वायुमंडल के दाब को सहन कर सकती है। और हमने वायुमंडल दाब पढ़ा था तो कितना होता है, 1.013 इंटू 10 की पावर होता 5 न्यूटन पर मीटर। तो ये दाब बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस दाब को अगर मैं, आप एग्जांपल लेना, अगर इस दाब को मैं, इस दाब से मैं अपने हाथ से किसी का गला पकड़ लूं, तो उस गले की रीढ़ की हड्डी जो है ना, वो ही मेरे हाथ आएगी, बाकी सारे उसका निकल जाएगा। इतना ज्यादा प्रेशर लगाता है वायुमंडल दाब, तुम एज्यूम नहीं कर सकते। या फिर मैं ये मानूं कि अगर मैं किसी आदमी को मतलब अपने हाथों से पंच मारूं, इतने डायन से, इतने दाब से, तो मेरे से, मेरी अपने जो मैं खड़ा हूं उससे कम से कम 100 मीटर दूरी पर जाके गिरेगा, इतना दाब हमें वायुमंडल लगाता है ताकि हमारी बॉडी स्थिर हो सके। तो साबुन के बुलबुले में भी क्या लगता है, वायु बाहर की ओर क्या लगता है, वायुमंडलीय दाब लगता है, इसे बोलते हैं पी आउटसाइड। तो बुलबुल अंदर की ओर से भी क्या लगाता है, दाब लगाता है, इसे बोलते हैं पी इनसाइड। देखो बुलबुला अस्तित्व में, इसका मतलब ये श्योर हो गया कि इसके आंतरिक पृष्ठ पर जो दाब लग रहा है बाहर की ओर, वो दाब क्या होना चाहिए, बाह्य दाब से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मतलब पी इनसाइड इज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, पी आउटसाइड। अगर ये है तब तक इस बुलबुले की लाइफ है। जिस दिन ये बराबर होकर घट के शून्य हो गया ना, यार ये कम उल्टा हो गया, तो बुलबुला फूट गया, बुलबुले का अस्तित्व नहीं रहे। तो ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं बेटा, इसे ही दाब आधिक्य कहते हैं, दाब आधिक्य कहते हैं। ये तो दाब आधिक्य होता है प्रेशर एक्सिस, ये प्रेशर एक्सिस होता है क्या रियल में, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड। ठीक है, यह दाब आधिक्य कौन संतुलित करता है, मतलब चलो ठीक है दाब आधिक्य है, दाब आधिक्य का मतलब होने का मतलब तो ये हो गया कि वो बॉडी अगर अंदर दाब देता तो वो फूलेगा ऐसे, और फूलता फूल जाएगा, बड़ा होकर फूट जाएगा, बट बुलबुला तो रुका हुआ रहता है कुछ देर के लिए। इसका मतलब इस दाब को रोकना है, सिंपल सी बात है। अगर सपोज करो अगर कोई बुलबुले का अंदर का दाब लगा तो वो धीमे धीमे फूलना स्टार्ट होगा, आप खुश हो तो, और फूलता फूलता वो फूट जाएगा एक टाइम पर, परंतु बुलबुला अभी भी अस्तित्व में है। इसका मतलब ये जो दाब आधिक्य जो बाहर की ओर लग रहा है, प्रेशर एक्सिस जो बाहर की ओर लग रहा है, ये मैं कह सकता हूँ प्रेशर एक्सिस जो बाहर की ओर लग रहा है उसको संतुलित कौन करता है, उसको संतुलित करता है पृष्ठ तनाव। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, इस दाब आधिक्य को, इस दाब आधिक्य को, आधिक्य को पृष्ठ तनाव संतुलित करता है। तो इसका मतलब कितना हुआ
कि प्रेशर एक्सिस जो है वो होता है पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, और साबुन के बुलबुले कितना होता है 40 बाई आर। पता है इस चीज के बारे में आपने पढ़ा होगा 40 बाई आर, क्योंकि साबुन का बुलबुला के लिए अंदर वाला प्रश्न भी काम आता है और बाहर वाला प्रश्न भी क्या आता है, काम आता है। अगर पानी की ड्रॉप होती है तो 40 बाई आर होता है, क्योंकि पानी की ड्रॉप के अंदर केवल भारी पृष्ठ काम आता है, आंतरिक पृष्ठ काम नहीं आता। आपको वहां पढ़ाया था, आप डीप से देखना। ठीक है, हमारे पास दाबादी के आ गया, कोई बात नहीं, दाबादी के संतुलित करता वो भी। अब मेन बात है दाबादी के बाहर क्यों लग रहा है, तो इधर वाला टर्म तो बाहर क्यों शो कर रहा है, और इधर वाला टर्म जो है वो कह सकते हो कि इनसाइड को शो कर रहा है, और यहाँ इक्विलिब्रियम केस। मतलब कैसे, देखो साबुन का बुलबुले को उसको फुला रहा है, मतलब ऐसे इसको देखो खींच रहा है बाहर की ओर, बट जो पृष्ठ तनाव उसको पकड़ा रख रहा है, पृष्ठ तनाव जो है उसको क्या कर रहा है, ये जकड़ के रख रहा है। इसका मतलब जो सरफेस टेंशन कह सकता हूँ या प्रेशर एक्सेस जो कह सकता हूँ वो अंदर क्यों लग रहा है। अब मैंने क्या किया कि साबुन का बुलबुला अभी अस्तित्व में था, ठीक है, इस बबल को मैंने क्या किया, चार्ज किया। तो बबल को चार्ज करने पर मैंने क्या लिखा, बबल को सिग्मा पृष्ठ घनत्व से क्या किया, आवेशित किया। तो आवेशित करने पर इस पर भी क्या लगेगा, विद्युत दाब लगेगा, और विद्युत दाब हमने पहले दो टॉपिक को पढ़ा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ा है, वो विद्युत दाब की दिशा किस तरफ होती है, दाब अधिश राशि प्रदिश राशि होती है। नॉर्मली ये बाहर के लगता है कि बल बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो यह क्या लिखता हूं, जब इस बुलबुले को, जब इस बुलबुले को, बुलबुले को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, इसे सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से, सिग्मा पृष्ठ घनत्व से जब आवेशित किया जाता है तो इस पर क्या लगता है, विद्युत दाब। तो इस पर विद्युत दाब बाहर की ओर, बाहर की ओर कार्यरत होता है, ठीक है। विद्युत दाब बाहर की ओर कार्यरत होता है, तो विद्युत दाब जो होता है वो कितना होता है, पी इलेक्ट्रिक प्रेशर कह सकता हूं, पी इलेक्ट्रिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का। अब ये बाहर की ओर साइड है, तो देखो जो प्रेशर एक्सिस है वो भी किस तरफ लग रहा है, बाहर की ओर, और इलेक्ट्रिक जो है वो भी किस तरफ लग रहा है, बाहर की ओर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो टर्म है वो इस इक्वेशन में एलएचएस भाग में जुड़ेगा। सुनना मेरी बात को, प्रेशर एक्सिस प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट बराबर कितना होगा, 40 बाई आर। मतलब ये इधर क्यों जुड़ा आपको पता होगा, देखो प्रेशर एक्सिस बाहर की तरफ है और ये भी किस तरफ है, बाहर की तरफ। यहाँ जो 40 बाई आर होता है वो पृष्ठ तनाव जो दाब अधिक समय करता है वो नॉर्मली कह सकते हो अंदर की ओर खींची हुई झिल्ली के बाद काम करता है। तो फिर हमारे पास जो ये जो टर्म था वो एलएचएस भाग में जुड़ा, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इक्वेशन दी 3, इक्वेशन दी 4। अब मैं बुलबुले को आवेशित करता गया, आवेशित करता गया, आवेशित करता गया, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जिस पर बुलबुला पर जो दाब अधिक है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब यदि बुलबुले को आवेशित करते जाए तो एक स्थिति ऐसी आएगी जिस पर दाब अधिकी शून्य हो जाएगा, और दाब अधिकी शून्य हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ट बुलबुला मात्र फूटने की स्थिति में होगा। अगर इसके बाद मैंने थोड़ा भी चार्ज इस बुलबुले को दे दिया ना तो बुलबुला क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। तो क्या लग सकता है, इसके पश्चात बुलबुला फूट जाएगा। मतलब इसके बाद अगर थोड़ा सा भी चार्ज, मतलब माइक्रो गुलाम भी अगर थोड़ा बहुत छोटा है, नो नहीं, आप पिको गुलाम ले लो, अगर मैंने एकदम बहुत छोटा चार्ज भी दे दिया ना तो भी क्या होगा, ये बुलबुला
फूट जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आप, प्रेशर एक्सेस जीरो हो गया, तो इस स्थिति में प्रेशर एक्सेस जो है वो टर्म कितना हो गया, जीरो। तो इसका मतलब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फाइव, तो इसी इक्वेशन फोर से, इक्वेशन फोर व इक्वेशन फाइव से देखें तो प्रेशर एक्सिस जो था हमारे पास वो अब जीरो हो चुका है, और ये जीरो कितना था, 40 बाय आर सॉरी माइनस कितना देगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये टर्म जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इस टर्म को बात कर, बस ठीक है हमारा काम हो गया। अब हमें क्या निकालना है, शगुन के बुलबुले की त्रिज्या, पृष्ठ आवेश घनत्व, इन चीजों के बारे में निकालना। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं कि 40 बाय आर जो है वो कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से मैंने क्या निकाल लिया, बुलबुले की त्रिज्या। देखो अब जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, मैं लिख लिया तो 40 बाय आर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे हम निकालेंगे बुलबुले की त्रिज्या, वो कितनी होगी, आर बराबर 8 एप्सिलॉन नॉट। देखो इसको इधर लेके चला गया, इसको इधर लेके चला गया, 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन में कितना देगा, सिग्मा स्क्वायर। ये हमारे पास बुलबुले का त्रिज्या। अब निकालेंगे बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा स्क्वायर बराबर 8 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन में आर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दी इसको 7, इसको दे दी 8। बुलबुले पर आवेश, आवेश देखो बेटा निकालेंगे किससे, आवेश सॉरी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा जो होता है वो कितना होता है, क्यू अपॉन में ए। क्योंकि क्यू तो पता है, पता नहीं है हमें, पर ए जरूर पता है, वो होता है 4 पाई बुलबुल त्रिज्या आर स्क्वायर। यहां से मैं क्यों निकालू तो क्यों बराबर कितना होगा, सॉरी 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। ये जो सिग्मा का मान है हम यहां, अरे कुर कुछ गलती होगी बेटा, यहां पे टी आएगा। ये जो सिग्मा का मान है हम क्या करेंगे इसको, तो कितना आएगा 4 पाई, ये सिग्मा का जो था ना आर स्क्वायर, और यहां पे कितना देगा अंडर रूट दी 8 पाई एप्सिलॉन टी अपॉन में कितना देगा आर। इसको सॉल्व करने ना आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पावर काट देना, रूट वूट लेना तो ले लेना। ठीक है, ये आज की जो आपका जो चैप्टर था लेसन नंबर सेकंड, उसका लास्ट टॉपिक था, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक आपके पास तो न्यूमेरिकल है, मैं आपको बता देता हूँ, करोगे खुद, क्योंकि ये तीन फॉर्मुलों पर बेस है, हो सकता है दो ही फॉर्मूले काम हो, मैंने तो कुछ न्यूमेरिकल को देखा नहीं है, इन तीनों में से कोई दो फॉर्मूले काम आएंगे। ठीक है, आपकी बुक का सेकंड लास्ट एग्जांपल है, ये बुक क्या कह रहा है, एक आवेशित साबुन के बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व, तो मतलब आपको गिवन में क्या दे रखा है, इसमें यही दे दो क्वेश्चन, आप खुद को करना, आपको कमेंट बॉक्स में मेरा आंसर जरूर देंगे। ठीक है, ये कितना दे रखा है, 2.96 माइक्रो कूलम अपॉन में मीटर स्क्वायर। माइक्रो को आपको करना रहता है, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव दे रखा है, टी बराबर क्या दे रखा है, 10 की पावर 4 न्यूटन अपॉन मीटर का मीटर। तो ये हमारे पास पृष्ठ तनाव की सरफेस टेंशन दे रखा है। तो बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जब दाब अधिक शून्य हो एवं बुलबुला संतुलन में रहे। तो बुलबुले की त्रिज्या कब निकालनी है, जब प्रेशर एक्सिस कितना हो, जीरो, तो प्रेशर एक्सिस जीरो होने पर यही केस चलाता, और यहां हमें क्या निकालनी है, ये निकालनी। इसमें आपको टी दे रखा है, इसमें आपको एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, उसका स्क्वायर करके आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर जो आंसर आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 भी अब कंप्लीट हो चुका है, मैंने इसकी डीपीपी अभी तक प्रोवाइड नहीं की है, मैं थोड़ा समझ आता हूँ, आज की डेट में आपको डीपीपी मिल जाए। देखो जो बच्चे अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए, मैं उनको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप पढ़ो, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन की स्थिति में घर पे मजे करो, बेटा साइंस आपने ली है तो साइंस का अपनी लाइफ में या अपने फ्यूचर में या अपनी पूरी, कह सकता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक चीज में आप उस साइंस को यूज करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखो आपको बस 11th 12th पढ़ने के बाद कोई बच्चा होता है सर हम आर्ट्स ले लेते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप साइंस लेकर के आर्ट्स, कोई मतलब नहीं, उसका सेंस नहीं। अगर आपको आईएएस कलेक्टर की कोई जॉब जानी है तो रिकमेंड करता हूँ आप वहां पे लीजिए,
बाकी फिजिक्स से भी आईएएस होता है, पर वो थोड़ा टिपिकल पड़ता है, मैं जानता हूँ इस चीज़ के बारे में। हमने भी एक बार के लिए आईएएस का एग्जाम दिया था एथलर के बाद, तो वो थोड़ा मुश्किल था, बहुत ज्यादा टिपिकल था, मतलब नहीं होता एक बार के लिए। अगर कोई ढंग की लाइफ साइंस का एग्जाम्पल लेकर के करे तो हो सकता है, पर जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर बीएससी करके लेक्चरर बनना चाहते हैं या कुछ सीएसआर नेट करके कॉलेज लेक्चरर है या कोई जो इसरो की रिसर्च है या कोई डीआरडीओ में है या इस कोई ब्रांच में जाना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए रिकमेंड करता हूँ कि आप थोड़े मजे बंद करो, आप पढ़ो। इसके अलावा आपके पास जो भी हेल्प गाइड है एक्स वाई जेड अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भी, तो सर हमें ये गाइड चाहिए, मैं कहीं से प्रोवाइड करवा करके उसकी फोटो, मेरे पास यूएसएस पड़ी है, उर्दू गाइड्स पड़ी है, मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप उसके क्वेश्चन सोल्व करो, क्योंकि अभी आपके पास पढ़ने का टाइम पूरा है। क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को स्कूल में देखा, सर इस पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। मैंने कहा क्यों? कि सर 6-6 घंटे तक स्कूल रहता है, थोड़ा बहुत घर का काम करना पड़ता है, फिर स्कूल का होमवर्क रहता है, वो रहता है वो रहता है, तो करें क्या, हम समझ में नहीं आता। तो अभी तो आप पूरा फ्री हो, आपको आधे घंटा के वीडियो देखो, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो, और जो नहीं है उसका आंसर या उसका क्वेश्चन है उस टॉपिक को फोटो खींच करके आप जो हमारे व्हाट्सएप चैनल है हमारे स्कूल का वहां सेंड कर दो, वो अपने आप मुझे सेंड कर देंगे, मैं आपका आंसर सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप पढ़ोगे क्योंकि बहुत जरूरी होता है, ठीक है, और अपना समय का बहुत यूज करोगे। ठीक है, चलिए आगे, जो टॉपिक था हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर दिया था, दो टॉपिक भी क्लियर कर दी थी, आज का हमारा लेक्चर सीरीज यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।